तो दोस्तों आज 22 जुलाई 2022 मार्केट के अंदर आज भी काफ़ी शानदार हमें रिकवरी देखने को मिला, जहां पे निफ्टी आ पहुंचा है 16,700 के ऊपर लगभग 0.5% से ज़्यादा तेज़ी के साथ। और ये तेज़ी दोस्तों हमें लास्ट 5-6 दिन में कंटिन्यूस देखने को मिला। स्पेशली अगर हम बात करें निफ्टी जब 16,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर आया तो अभी तक अगर हम बात करें तो करीबन 5% के आसपास रिकवर किया, उसके साथ साथ लास्ट एक महीने पर करीबन 7 से 7.5% के ऊपर हमें रिकवरी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अलर्ट जरूर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सावधान जरूर हो जाना चाहिए मार्केट से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आगे वीडियो में हम फुल जो कि रीजन के साथ भी आपको प्रूफ कर दूंगा। अब बात करेंगे 27 जुलाई मार्केट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको मेंशन किया था थंबनेल पे, तो उसके लिए मैं आपको लेके आया हूं दोस्तों यूएस का जो सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपके सामने ओपन है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि लास्ट महीने पे यानी जून के महीने पे FOMC का मीटिंग यहाँ पे हुआ था, उसके बाद ही मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई पे भी होगा 26 जुलाई से लेकर 27 जुलाई, मतलब आउटकम आपको मिलेगा 27 जुलाई के दिन। अब दोस्तों ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको तो मालूम ही होगा जब लास्ट महीने पे 14 जून से लेकर 15 जून के बाद मार्केट ओपन हुआ तो इंडियन मार्केट और उसके साथ पूरा ग्लोबल मार्केट का क्या हुआ था, क्योंकि हमने देखा था FOMC मीटिंग का जो आउटकम निकला था बहुत ज़्यादा रेपो रेट हाइक हुआ था, जो कि इस बार भी होने का 80% चांस है। ऐसा ही कुछ दिन पहले जो फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है उन्होंने खुद कहा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 15 जून के बाद नेक्स्ट डे जब इंडियन मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14 जून, अब 15 जून ये हो गया, 15 जून के नाइट पे हमारे यहाँ पे पता चला, तो यहाँ पे आप देखिए 17 जून, देखिए 17 जून क्या हुआ था, हाल एकदम मार्केट एकदम अपना बॉटम टच कर लिया था। इस बार भी दोस्तों गिरावट होने के पीछे प्रॉपर रीज़न है, एक तो हो गया आपके यहाँ पे फिर से रेपो रेट हाइक हो सकता है, उसी के साथ साथ दोस्तों मार्केट लास्ट एक महीने पे लगातार हमें रिकवरी देखने को मिला। आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का लास्ट 3 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जब हमने देखा था 17 जून मार्केट ओपन होने के साथ साथ एकदम गिरावट और निफ्टी अपना एकदम बॉटम टच कर लिया था लगभग 15,100 समथिंग के आसपास, उसके बाद देखे लगातार हमें रिकवर करते करते आज की डेट पे निफ्टी का जो RSI इंडेक्स निकल के आ रहा है दोस्तों 69 पॉइंट समथिंग, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे ओवरबॉट जोन की एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, मतलब और अगर एक दो दिन इसके अंदर तेजी हुआ डेफिनेटली दोस्तों ये गिरावट होगा ही होगा। अब दूसरे यहाँ पे पॉइंट्स आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया आपका बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड की देखिए एकदम बाहर आ चुका है, आज लगभग 0.5% से ज्यादा ऑलमोस्ट 0.69% की अभी हमने देखा तेजी के साथ आज क्लोजिंग दिया, उसी के साथ साथ देखिए बोलिंजर बैंड की एकदम अपर बैंड के ऊपर आ चुका है। अब इसमें मतलब इसमें हुआ होगा क्या, अब देखिए मैं आपको उसका भी सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये आपके सामने ओपन है बोलिंजर बैंड का, जो कि 1 साल के चार्ट पैटर्न के साथ। अब आपको तो मालूम ही होगा जब निफ्टी लास्ट ईयर पे अक्टूबर के महीने पे अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, तब देखिए कहाँ पे पोजीशन था, बोलिंजर बैंड के ऊपर, रिजल्ट क्या हुआ, एकदम से गिरावट हुआ। ठीक उसके बाद जब मार्केट फिर से रिकवर किया था जनवरी के महीने पे, तब भी देखिए निफ्टी का जो पोजीशन यहाँ पे बोलिंजर बैंड के ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच गया था, उसके बाद देखिए एक दो दिन ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, फिर से गिरावट। अब दोस्तों याद होगा उसके बाद वॉर वगैरह शुरू हुआ तो तब तक यहाँ पे और गिरा था मार्केट। अब देखिए उसके बाद अप्रैल के महीने पे हमने देखा था निफ्टी के अंदर और शानदार रिकवरी हुआ था, करीबन 18,000 तक मार्केट पहुँच गया था। ठीक उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बोलिंजर बैंड की बाहर आया एकदम से गिर गया। अब देखिए ज़्यादा पुराने बात नहीं, कुछ टाइम पहले ही मई के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जब निफ्टी के अंदर फिर से रिकवर हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गया था इसी लेवल पे जहाँ पे आज निफ्टी खड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ टाइम के लिए फिर से बोलिंजर बैंड की अपर बैंड के ऊपर पहुँच गया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर से हमें गिरावट देखने को मिला। इस बार भी दोस्तों गिरावट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखिए लास्ट 2-3 दिन से मार्केट का जो पोजीशन है वो बोलिंजर बैंड के ऊपर हमें देखने को मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि देखिए लास्ट टाइम जब हमें रिकवरी देखने को मिला था मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट मई से लेके जून के फर्स्ट वीक तक, तब देखिए इसी पर्टिकुलर लेवल मतलब जिसका नंबर निकाल कर आया आज 16,750, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ही हमने देखा था एकदम से उसी लेवल से सीधा सीधा 15,100 समथिंग तक यहाँ पे गिर गया था, उसके बाद ही आज रिकवर करते रहते, आज फिर से अपना पुराना जो लेवल है रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट पहुँच चुका है। जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का ये है, देखिए आपको मैं डराने का या घबराने का यहाँ पे मेरा कोई भी मेरा यहाँ पे मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि आपको अलर्ट रखने का, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी भी गिरावट हो सकता है। स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स ये सारी जो तेज़ी मार्केट के अंदर देखने को मिलता है
ये सब देख के यहाँ पे फंस जाता है और एकदम बुरी तरह लग जाता है, जिस वजह से मैं आपको बार बार सावधान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए मार्केट से अभी, क्योंकि देखिए अभी मार्केट जब गिरावट होगा इस बार देखिए ऑब्वियसली उतना ज़्यादा गिरावट होने का चांस नहीं है, क्योंकि मार्केट सेम रीज़न से बार बार नहीं गिरता, ठीक है। जो कि मैं लास्ट टाइम देखने को मिला था FOMC मीटिंग के दौरान एकदम से गिर गया था, पूरा खत्म हो गया था, मतलब कहाँ से कहाँ गिर गया आप देख सकते हो, यहाँ पे ओवर वैल्यूड जोन से सीधा अंडर वैल्यूड जोन पे पहुँच गया था बस 2 हफ्ते के भीतर भीतर। इस बार उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, बट गिरावट दोस्तों आप छोटा मोटा एक अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों एक और अच्छे अपडेट दे देता हूँ, मार्केट ऐसे रिकवर करते करते आज की डेट पे एक बहुत शानदार गोल्डन क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 कलर का लाइन आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए ये हो गया आपका 100 डेज की EMA, इसको तो छोड़ दीजिए, इसके ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए ये जो ब्लू कलर का लाइन, ये आपका इंडिफाइन करता है जो कि 50 डेज की EMA, और उसके ठीक नीचे हो गया आपका 20 डेज की EMA। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो 50 डेज की EMA, उसके ऊपर जो ये रेड कलर का लाइन यानी 20 डेज के EMA का जो लाइन है वो आज की डेट पे क्रॉस हो चुका है, तो इसे बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर मूवमेंट। तो ये मूवमेंट का क्लियर संकेत ये है कि मार्केट के अंदर अभी देखिए रिकवर आगे होगा, और उसके साथ साथ गिरावट अगर हुआ तो कोई बहुत बड़ा गिरावट का चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ ग्लोबल मार्केट का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आज यूरोपियन मार्केट के अंदर काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन यहाँ पे आप देखने को मिला, मतलब हर एक इंडेक्स आज ये नहीं कि बहुत तेज़ी, कुछ इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा तेज़ी, जैसे कि FTSE MIB के अंदर ऑलमोस्ट 0.5% के ऊपर तेज़ी, जैसे कि FTSE 100 के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट में ट्रेड करा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि निफ्टी फ्यूचर का, जो कि कुछ टाइम पहले ही निफ्टी जब क्लोजिंग हुआ था, इंडियन इंडेक्स क्लोजिंग हुआ था उसके आसपास ही देखिए आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया निफ्टी उसी के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। दूसरी ओर में अगर हम बात करें डॉ जोन्स का फ्यूचर, क्योंकि नॉर्मली US मार्केट तो शाम को ओपन होगा, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे दोस्तों 27 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मार्केट के लिए। उसी के साथ साथ मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस का जो न्यू केसेस है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, लास्ट एक महीने नहीं ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से। यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेट पे अगर हम बात करें लगभग 22,000 के ऊपर फिर से न्यू केस आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए 22,000 के ऊपर न्यू केस आ चुका है, जो कि एक महीने पहले था लगभग 13,000, मतलब आप समझ सकते हो मोर देन 60% के ऊपर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला हर महीने। ये चीज़ मैं आपको 3 महीने का भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, तो देखिए 3 महीने पे कितना ज़्यादा रेज हुआ है कोरोना का केस। जो एक्सपर्ट्स या जो बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना था कि इंडिया के अंदर लगभग अक्टूबर के आसपास फिर से एक 4th वेव आने का चांस है, तो वो भी दोस्तों यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा मूव कर सकता है लोअर साइड में, तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में होना चाहिए। अब बात करेंगे क्या यहाँ पे मैं आपको घबरा रहा, यहाँ पे मैं डरा रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट जब गिरेगा तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, सिंपल बात है, जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बाई करने के लिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जब भी मैं बोलता हूँ उसका साफ साफ मतलब यही है कि हमेशा आपको समझ जाना चाहिए कोई भी सेक्टर का जो मार्केट लीडर, बट साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जब मार्केट गिरेगा सीमेंट सेक्टर और मेटल सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर होता है, जिस वजह से मैं आपको बार बार अलर्ट करता हूँ कि ये दोनों सेक्टर से थोड़ा सा दूरी रखना। बाकी अगर हम बात करें आज की डेट में IT सेक्टर में थोड़ा बहुत हमें कमजोरी देखने को मिला, अदरवाइज़ बाकी सेक्टर में कोई बहुत बड़ा कमजोरी नहीं था। तो नॉर्मली यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो हर कोई सेक्टर की जो मार्केट लीडर शेयर है उसके अंदर। बाकी जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको फटाफट देता जाऊंगा। वीडियो का भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा।